हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फाइव उसमें लेक्चर नंबर सेकंड, फर्स्ट लेक्चर में कुछ हमने इलेस्टेशन वन और टू देखा था और कुछ थियोरी देखी थी अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं इलेस्टेशन नंबर थ्री में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर्स है उसमें से ये शॉर्ट वाले सम आते नहीं हैं बट जब भी हम लॉन्ग सम करेंगे तब इसके लिए ये इम्पोर्टेंस हैं इसीलिए हम ये कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इलेन नंबर थ्री सो ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो फोर रेशियो थ्री सो यहाँ पे दो पार्टनर्स बोले हैं ए एंड बी उनका रेशियो दिया है फॉर रेशियो थ्री नेक्स्ट आगे बोलते हैं दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर्स कौन नया आया सी उसको एडमिशन दिया है सो दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर्स विथ वन सेवन शेयर यानी कि इसको शेयर देना है वन अपन सेवन चलिए सिर्फ इतना बोला होता तो लास्ट सम में हमने जैसा किया वैसे ही वन में से टोटल प्रॉफिट वन काउंट करते हैं उसमें से वन अपन सेवन माइनस करते और बाकी जो बचा वो दोनों के बीच में शेयर करते बट यहाँ पे क्या बोला है वो देखते हैं सो so, यहाँ पे बोला है सी ऑप्टेन टू टू अपन ट्वेंटी वन शेयर फ्रॉम ए एंड वन अपन ट्वेंटी वन शेयर फ्रॉम बी सी है वो वो टू अपन ट्वेंटी वन शेयर ए के पास से लेगा एंड वन अपन ट्वेंटी वन शेयर बी के पास से लेगा सो so, यहाँ पे आपको बोली दिया है कि किसके पास से कितना पर्सनली सी लेगा ओके okay? सो so, हमको अब कैलकुलेशन करना है कि ए अपने शेयर में से इतना देगा तो उसके पास कितना बचेगा बी इतना देगा तो कितना बचेगा और सी को कितना मिल रहा है वन अपन सेवन वो तो यहाँ बोल ही दिया है सो so, ये जो पार्ट ए देने वाला है उसको बोलेंगे एज सेक्रीफाइज क्या बोला जाएगा उसको एज सेक्रीफाइज ए कितना कर रहा है टू अपन ट्वेंटी वन एंड बीज सेक्रीफाइस अपन ट्वेंटी सो यहां पे सेक्रीफाइस का रेशियो हम फाइंड करें तो आएगा टू रेशियो वन बट बट हमको ये सम क्लियर करना है ओनली सैक्रीफाइस का रेशियो हमको नहीं फाइंड करना है हमको क्या फाइंड करना है तो हमको ये फाइंड करना है कि न्यू रेशियो कितना रहेगा दोनों को मिला के दोनों का न्यू रेशियो कितना होगा वो फाइंड करना है तो चलिए दोनों का हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं कितना कितना किसको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा सो so, यहाँ पे ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो बोल दिया है बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो बोल दिया है हम लिखेंगे अब Is new ratio. तो देखो का न्यू रेशियो क्या रहेगा तो उसका जो ओल्ड रेशियो है फोर रेशियो थ्री यानी कि फोर अपन सेवन उसमें से वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है टू अपन ट्वेंटी वन वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे टू अपन ट्वेंटी वन हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस तो चलिए एशिया एल्शियम लेते हैं ट्वेंटी वन इंटू सेवन प्रोसेस हम सेम ही रखेंगे ट्वेंटी वन इंटू सेवन करेंगे तो वन फोर्टी सेवन बीच में माइनस है तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्वेंटी वन इंटू फोर करेंगे सो आएगा एटी फोर सेवन इंटू टू करेंगे तो आएगा फोर्टीन एटी फोर में से फोर्टीन को माइनस करेंगे तो आएगा सेवनटी डिवाइड बाई वन फोर्टी सेवन सो ये मिल गया ए का न्यू रेशियो अब देखते हैं बीज न्यू रेशियो सो बी का कितना था थ्री बाई सेवन और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वन अपन ट्वेंटी वन सेम प्रोसेस में चलेंगे दोनों का एल्शियम लेंगे ट्वेंटी वन इंटू सेवन वन फोर्टी सेवन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वेंटी वन इंटू थ्री करेंगे सो so, आएगा 63 बीच में माइनस है तो माइनस सेवन इंटू वन सेवन सिक्सटी में से सेवन माइनस करते हैं 56 सिक्स डिवाइड बाई वन अब देखो दोनों को डिवाइड में 147 है और सी में वन अपन सेवन है तो उसके डिवाइड में भी हम 147 लाएंगे सी इज़ न्यू रेशियो उसका तो वन अपन सेवन है ही ऑलरेडी बट वन फोर्टी सेवन लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वेंटी वन से नीचे ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी ट्वेंटी वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो ट्वेंटी वन वन जाए ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इंटू सेवन वन फोर्टी सेवन तीनों का मिल गया अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो ए बी एंड सी अब देखो 70 इसका फिफ्टी सिक्स और इसका ट्वेंटी वन ये अमाउंट बहुत बड़ी है राइट ये अमाउंट बहुत बड़ी है तो इसको हम कट करेंगे डिवाइड करेंगे कैसे करनी है तो देखो एक एग्जांपल के हिसाब से दिखा रहा हूँ ट्वेंटी वन कि सेवन इंटू थ्री फिफ्टी सिक्स कि सेवन इंटू एट एंड सेवनटी यानी कि सेवन इंटू टेन ओके okay, यानी कि सबको सेवन से डिवाइड किया जाता है तो सेवन सेवन कट कर देते हैं तो बचा कितना टेन एट एंड थ्री तो ये रेशियो मिला टेन रेशियो एट रेशियो थ्री सो दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनरशिप फॉर्म ए बी एंड सी चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया था न्यू सी एडमिट हुआ वन सेवन देना है वन सेवन कैसे लेगा तो उसमें से टू अपॉइंट ट्वेंटी वन ए देगा और वन अपॉइंड ट्वेंटी वन बी देगा चलिए कोई बात नहीं है सो so, ए 2 टू अपॉइट ट्वेंटी वन दे रहा है तो उसको बोला जाएगा एज सेक्रीफाइज एंड बी देगा वन अपॉइंट ट्वेंटी वन तो उसको बोला जाएगा बीज सैक्रीफाइज ओके okay, सो so, दोनों का सेक्रीफाइज रेशियो यहाँ पे मिल गया तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ सेक्रीफाइज रेशियो अब हमको न्यू रेशियो फाइन करना है तो एज़ न्यू रेशियो एंड बीज न्यू रेशियो तो न्यू रेशियो कैसे मिलेगा ए का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से उसका सेक्रीफाइज क्या करेंगे माइनस सो माइनस किया कैलकुलेशन किया ये अमाउंट मिली सेम प्रोसेस बी में रहेगा ओल्ड में से सेक्रीफाइज माइनस किया ये अमाउंट मिली अब सी का न्यू रेशियो है तो वो तो दिया ही है बट तीनों पार्टनर्स की डिवाइड की अमाउंट सेम करने के लिए 147 लाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसलिए 21 से मल्टीप्लाई किया अब तीनों अमाउंट मिल गई है मिल गई है तो उसमें कट करनी है जितनी भी छोटी हो सके उतनी छोटी कर देनी है ओके सो दिस इज अलेशन नंबर थ्री नाव विकेंसी और इलेसन नंबर फोर चलिए देखते इसमें क्या बोला है ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो फाइव रेशियो थ्री सो ए एंड बी पार्टनर्स हैं उनका रेशियो है फाइव रेशियो थ्री यहाँ पर बोल ही दिया है कि दोनों का रेशियो कितना है फाइव रेशियो थ्री चलिए आगे बढ़ते हैं दे एडमिटेड सी अ न्यू पार्टनर्स कौन आया नया सी जो नया आता है ना उस पर मैं राउंड करता हूँ याद रखना वो एक्वायर्ड वन फॉर शेयर इन द फॉर्म इसको कितना देना है फॉर्म का वन अपन फॉर शेयर अब आगे देखिए इन द फॉर्म अगर इतना बोला होता तो फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्शन की तरह करते बट आगे बोला है सी ऑप्टेन हि शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो वन तो ये सी कैसे ले रहा है तो वन फॉर शेयर लेगा बट थ्री रेशियो वन के हिसाब से ए एंड बी के पास से लेगा किसके पास से लेगा ए एंड बी के पास से फिर से बोल रहा हूँ सी आता है उसको वन फॉर शेयर देना है वो टोटल प्रॉफिट में से नहीं देना है बट वन फॉर शेयर है उसका थ्री रेशियो वन में हम कन्वर्ट करेंगे जितना भी आएगा उतना ए एंड बी देगा ओके सो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे तो एक के पास से कितना लेना है वो फाइंड करेंगे तो उसको बोला जाएगा एज सेक्रीफाइज तो देखो सी का टोटल प्रॉफिट था वन अपन फोर और उसका थ्री रेशियो वन यानी कि थ्री बाई फोर एंड वन बाई फोर होगा सो इन टू थ्री बाई फोर और यहाँ पे लिखेंगे बीज सेक्रीफाइज सो so, सी का टोटल था वन अपन फोर और उसका भी वो कितना लेगा वन अपन फोर यानी कि सी को टोटल वन अपन फोर देना है वन अपन फोर कैसे लेगा फ्री रेशियो वन के हिसाब से ए एंड बी के पास से इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम मैं बताऊँ तो कैसे रहेगा फॉर एग्जाम्पल ऐसा है ए एंड बी आर पार्टनर्स सी को एडमिट किया सी को वन फोर शेयर देना है वो थ्री रेशियो वन के हिसाब से लेगा ऐसा बोला है चलिए तो हम क्या करेंगे सो so, समझ लो कि फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से सी के हिस्से में आता है करीबन समझ लो ट्वेंटी थाउजेंड सी के हिस्से में कितना आता है ट्वेंटी थाउजेंड तो ये ट्वेंटी थाउजेंड कैसे लेगा तो ट्वेंटी थाउजेंड को थ्री रेशियो वन में कन्वर्ट करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू थ्री बाई फोर एंड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन बाई फोर सो आएगा फिफ्टीन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड सो फिफ्टीन थाउजेंड ए के पास से लेना है फाइव थाउजेंड बी के पास से लेना है यानी कि सी को जितना मिल रहा था उसका थ्री रेशियो वन में पहले कन्वर्ट किया फिर पता चला ए के पास से कितना लेना है बी के पास से कितना लेना है सेम प्रोसीजर हमारी यहाँ पे रहेगी तो इसीलिए हमने सी का जो प्रॉफिट है उसका थ्री फोर एंड वन फोर शेयर किया चलिए बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई थ्री वन ज़ा थ्री फोर वन फोर इंटू फोर सिक्सटीन सो ए का इतना सेक्रीफाइज हुआ वन वन ज़ा वन फोर इंटू फोर सिक्सटीन बी का इतना सेक्रीफाइज हुआ दोनों का सेक्रीफाइज मिल गया है अब दोनों का सेक्रीफाइज जब भी मिल जाता है तब हम क्या करेंगे न्यू रेशियो फाइंड करेंगे फाइनल हो गया ए अपने प्रॉफिट में से इतनी अमाउंट देगा बी अपने प्रॉफिट में से इतनी देगा सो so, यहां लिखेंगे ए इज न्यू प्रॉफिट तो चलिए कितना मिलेगा ए का पहले कितना था फाइव प्लस थ्री यानी कि एट होगा फाइव अपन थ्री सॉरी फाइव अपन एट माइनस थ्री अपन सिक्सटीन वो दे देगा। एंड बी इज न्यू प्रॉफिट बी का था थ्री अपन एट उसमें से वो दे देंगे वन अपन सिक्सटीन चलिए यहाँ पे एल्शियम लेते हैं सिक्सटीन इंटू एट कर करजिए सिक्सटीन इंटू एट वन ट्वेंटी एट अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिक्सटीन इंटू फाइव सो एटी एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर एटी माइनस ट्वेंटी फोर करेंगे 56 अपन 128. क्लियर अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे 16 इंटू एट वन ट्वेंटी एट सिक्सटीन कीजिए तो 16 इंटू थ्री फोर्टी एट एट इंटू वन एट सो यहाँ पे बचा 40 अपन वन अब चलो सी की बारी तो सी इज न्यू प्रॉफिट सी को मिल रहा था वन अपन फोर यहाँ पे 128 लाना है सो तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे 32, से क्योंकि 32 टू इंटू करेंगे तो 128 आएगा ना सो तो इसीलिए 32 थर्टी टू डिवाइड बाई वन कैसे आया 31 वन इंटू थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू थर्टी टू इंटू फोर सो अब हमको मिल गया न्यू रेशियो सो तो लिखेंगे न्यू रेशियो ए बी सी A का आया 56, बी का आया 40 और सी का आया 32. तो चलिए यहाँ पे देखो ये भी अमाउंट बड़ी वाली अमाउंट है इसको भी हम शॉर्ट अमाउंट में कट करेंगे सो आप सोच सकते हो सबको एट से डिवाइड कर सकते हैं कैसे एट फोर ज़ा थर्टी टू एट फाइव ज़ा फोर्टी एंड एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स तो न्यू रेशियो इज सेवन रेशियो फाइव रेशियो फोर सो ये हमको मिल गया न्यू रेशियो ओके सो देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद वाला क्या बोलते हैं यहां पे उसके बाद वाला है इलेशन नंबर फाइव सो क्या बोला है A and B are partners. They admitted C as a new partners. So A, B partners C को admit किया है. Hmm. New partner. A sacrifices one fifth of his share and B sacrifices one fourth of his share. A कितना sacrifice कर रहा है? तो इस A का जितना भी profit है. उसका वन फिफ्थ एंड बी कितना कर रहा है उसका जितना है उसका वन फोर्थ यहां पे बोला है ऑफ हिज शेयर यानी कि ए का जितना है उसका वन फिफ्थ देना है बी का जितना है उसका वन फोर्थ देना है जो भी अमाउंट आएगी वो सी को मिलेगी चलिए आगे पढ़ते हैं कैलकुलेट न्यू पी हाँ रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो सो दोनों फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो ए एंड बी का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है कभी भी कोई पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं देते तो उसको क्या बोलेंगे इक्वल प्रपोर्शन यानी कि वन रेशियो वन सो ए एंड बी इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे उसमें से वन फिफ अब किसको देना है सी को एंड बी है उसका वन फॉर किसको देना है सी को चलिए यह ऐसी बात हुई कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ ए बी आ रहे हैं सी को एडमिट किया ए को चलो ए को मिल रहा है यहाँ पे वन लैक्स चलो वन लैक्स रखते हैं और बी को भी वन लैक्स प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे वन रेशियो वन है इसीलिए दोनों का इक्वल लिया ए को जितना मिल रहा है उसका वन फिफ्थ वो सी को देगा और ये वन फोर किसको देगा सी को तो हम कैसे फाइंड करेंगे तो पहले ए का है जो प्रॉफिट ए का जो प्रॉफिट है वन लैक्स उसमें से वन फिफ्थ करेंगे फिर बी का जो प्रॉफिट है उसका वन फोर करेंगे फिर से बता रहा हूँ ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि वन लैक्स जो है ए का प्रॉफिट उसमें से वन फिफ्थ सी को दे दो और वन लैक्स जो बी का है उसमें से बी अपना वन फोर्थ देगा तो पहले कितना देना है यानी कि सेक्रीफाइस कितना करना है वो हम फाइंड करेंगे वन लैक्स इंटू वन अपन फाइव यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड वन लैक्स इंटून वन अपन फोर यानी कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि सी को कितना मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि फोर्टी फाइव थाउजेंड टोटल सी को मिलेगा ए कितना देगा ट्वेंटी थाउजेंड बी कितना देगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि पहले हमने फाइंड किया अब न्यू रेशियो जब भी फाइन करना है तो कैसे फाइन करेंगे ए ए का टोटल प्रॉफिट वन लैक्स था उसमें से वो ट्वेंटी थाउजेंड दे देगा तो अब कितना बचा उसके पास एटी बी का कितना था वन लैक्स उसमें से वो कितना दे रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो अब उसका कितना बचा सेवेंटी फाइव यानी कि हमको यहाँ पे जो फाइंड करना था न्यू रेशियो वो कैसे होगा तो ये जो रेशियो है उसको पहले ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्रीफाइज मिलेगा सेक्रीफाइज़ मिलने के बाद न्यू ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइज रेशियो माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा न्यू रेशियो सो ये पूरी लंबी वाली प्रोसेस है चलिए कैसे इसको शॉर्ट आउट करना है देखते हैं तो पहले लिखेंगे सो ए का था वन अपन टू उसका वन अपन फिफ्थ देना है फिर लिखेंगे बीस सेक्रीफाइस बी का भी था वन अपन टू वो दे रहा है वन अपन फोर शेयर और दूसरी बात है ऑफ़ कभी भी ऑफ लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद माइनस करना है सम में कभी भी ऑफ लिखा है ऑफ हिज शेयर ऐसा वर्ड यूज किया है तो पहले ओल्ड रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो ओल्ड रेशियो में से माइनस करना है ये शॉर्ट रीत है आप देख सकते हो शॉर्ट डिटेल में यानी कि शॉर्ट मेथड चलिए मल्टीप्लाई है तो टू इंटू फाइव टेन वन वन जो वन फोर इंटू टू एट वन अपन यानी कि ए अपने शेयर में से वन अपन टेन देगा बी अपने शेयर में से वन अपन एट देगा सो so ये दोनों का सेक्रीफाइस आया दोनों का अमाउंट सेम करनी पड़ेगी तो वो पहले वो बाद में करते हैं पहले न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं चलो सो so लिखेंगे एज न्यू रेशियो एंड ए का था वन अपन टू वो दे रहा है वन अपन टेन बी का भी वन अपन टू वो दे रहा है वन अपन एट चलिए सो टेन इंटू टू ट्वेंटी बीच में माइनस है तो माइनस टेन वन टेन, टू वन ज टू सो एट अपन ट्वेंटी सेम प्रोसेस एट इंटू टू सिक्सटीन एट 8 एट टू वनजा टू सिक्स अपन सिक्सटीन ओके अब यहाँ पे देखो डिवाइड अमाउंट किसी की भी सेम नहीं है कोई बात नहीं पहले C का फाइन करते हैं C को कितना मिल रहा है तो A अपने हिसाब में से वन अपन टेन देगा और B अपने हिस्से में से वन अपन एट देगा तो चलिए टेन इंटू एट एटी एट वनजा एट टेन वनजा टेन सो टोटल अमाउंट इज एटीन अपन एटी राइट right? तो यहाँ पे लिखेंगे सीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू एटीन अपन एटीन चलिए तो सबका पहले हमको डिवाइड अमाउंट सेम करनी है तो कर देते हैं ए बी एंड सी इसका था एट अपन ट्वेंटी सेकंड का है सिक्स अपन सिक्सटीन और एटीन अपन 80 चलिए सबसे बड़ी वाली डिमाउंट डिवाइड अमाउंट एटी है तो सबके नीचे हम एटी लाते हैं तो यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटी आएगा तो ऊपर नीचे फोर से मल्टीप्लाई यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटी आएगा यहाँ से तो वन से ही करना पड़ेगा एट इंटू फोर थर्टी टू एट इंटू सिक्स इंटू फाइव थर्टी एंड एटीन ओके सो ये डिवाइड अमाउंट सेम मिल गई एटी एटी एंड लास्ट वन इज़ एटी क्लियर अब ये हम यहाँ पे लिखते हैं सो न्यू रेशियो ये मिला थर्टी टू रेशियो थर्टी रेशियो एटीन अब शॉर्ट करते हैं इसको कट करते हैं तो देखो टू से डिवाइड होगा नाइन टू ज़ा फिफ्टीन टू जा एंड सिक्सटीन टू ज़ा सो न्यू रेशियो क्या मिला सिक्सटीन फिफ्टीन एंड नाइन अब हमको फाइन करना था सैक्रीफाइज रेशियो तो ए का एंड बी का सेक्रीफाइज क्या है ए का वन अपन टेन था बी का वन अपन एट था दोनों में सेम अमाउंट लानी है तो क्या करेंगे यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से टेन से तो चलो एट वनजा एट अपन एटीन टेन वनजा टेन अपन एटीन सो रेशियो मिला एट रेशियो टेन इसको भी कट करो बोला आएगा फॉर टू ज़ा एट फोर फाइव ज़ा सॉरी टू फाइव ज़ा टेन सो रेशियो मिला फोर रेशियो फाइव ये क्या मिला ratio रेशियो एंड दिस इज new रेशियो सो ये था इले नंबर फाइव अब देखते हैं उसके बाद वाला इले नंबर सिक्स चलिए देखते हैं कैसे करना है नंबर सिक्स सो so, यहाँ पे बोला ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग पी एन एल रेशियो टू रेशियो वन सो एंड बी दोनों यहाँ पे दिया है उनका रेशियो दिया है टू रेशियो वन सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर किसको नए लाए सी को फ्रॉम वन फॉर टू थाउजेंड ए सेक्रीफाइज वन अपन ट्वेल्व फ्रॉम हिज शेयर इल बी सेक्रीफाइज वन अपन सिक्स फ्रॉम हिज शेयर यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हिज शेयर यानी कि ए को जितना मिलता है उसमें से वन अपन ट्वेल्व दे देगा बी को जितना मिल रहा है उसमें से वन अपन सिक्स दे देगा कितना देना है वो बोल दिया है तो कभी भी फ्रॉम दिया है तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइज दिया है क्या दिया है सेक्रीफाइज तो यहां पर हमको क्या फाइन करने है सेक्रीफाइज रेशियो एंड न्यू रेशियो तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेक्रीफाइज रेशियो कैसे फाइंड करेंगे ए का कितना है वन अपन ट्वेल्व बी का वन अपन सिक्स दोनों को डिवाइड अमाउंट सेम करनी है तो यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा सो वन अपन ट्वेल्व एंड टू अपन ट्वेल्व तो सेक्रीफाइज रेशियो आया वन रेशियो टू अब हम क्या फाइंड करेंगे न्यू रेशियो न्यू so रेशियो में एज न्यू रेशियो एंड बीज न्यू रेशियो अब देखो सी को कितना मिल रहा है ए दे रहा है वन अपन ट्वेल्व और बी दे रहा है टू अपन ट्वेल्व यानी कि टोटल थ्री अपन ट्वेल्व मिल रहा है चलिए देखते हैं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है वन अपन टू रेशियो वन यानी कि टू बाई थ्री और बी का वन बाई थ्री ओके उसमें से ए जितना देगा यानी कि ओल्ड में से सेक्रीफाइज रेशियो हम क्या करते हैं माइनस सो so इसमें आएगा वन बाई ट्वेल्व और इसमें वन अपन सिक्स भी ले सकते हो या टू अपन ट्वेल्व भी ले सकते हो आपको जो लेना है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड अमाउंट सेम करने के लिए टू बाई ट्वेल्व लेंगे क्योंकि वन अपन सिक्स इज इक्वल टू टू बाई ट्वेल्व भी हम बोल सकते हैं So is equal to 12 into 3, 36. 12 to the 24, 3 into 1, 3. 24 में से 3 निकालते हैं तो 21 by 36 रहेगा. Same यहाँ पे 36, 12 वन 12, 3 to the 6, तो 6 upon 36 and C new ratio. C को मिल रहा है 3 by 12, सो so 36 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से सो नाइन अपन थर्टी सिक्स सो न्यू रेशियो क्या मिला ट्वेंटी वन रेशियो सिक्स रेशियो नाइन सभी को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं तो थ्री थ्री ज़ा थ्री टू जा थ्री सेवन जा तो न्यू रेशियो इज सेवन रेशियो टू रेशियो थ्री ए बी एंड सी होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड आपको पता चला होगा अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी हैं तो मेरे को बताना मैं आपको फोन पे सॉल्व करवा दूंगा ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत